हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे साइन थीटा बराबर हम लोग परिभाषित करते हैं लंब बटा कर्ण, यानी कोई समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण थीटा हो, या ऐसे बोलें कि साइन 30 डिग्री जो होता है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 30 डिग्री है, और उस 30 डिग्री के आधार पे हम लोग लंब कर्ण आधार परिभाषित करेंगे, और उन सबका अनुपात ही क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम हमारा हेडिंग क्या रहेगा कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, क्योंकि 0, 30, 45, 60, 90 का हम लोग जो है वैसे कैलकुलेशन से सिंपली निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। जो आप वैल्यू जो है याद रखते हैं, 60 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज हमारा है ये, यानी एक कोण, जब समकोण बोल दिया गया तो एक कोण जो है हमारा 90 डिग्री तो होगा ही, और हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे 45 डिग्री से। सबसे पहले हम लोगों का क्या रहेगा, 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। यानी 45 डिग्री जब बोल दिया गया समकोण त्रिभुज का, तो एक कोण हमारा क्या होगा, 45 डिग्री, और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हम लोग। तो इसको नाम दे देते हैं ओ, या चलिए इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। तो थीटा के जो सामने वाला जो कोण होता है, सॉरी जो भुजा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो गया, आधार। तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने हैं, यानी हम लोग इसकी भुजा का अनुपात निकालना चाहते हैं। और हम लोग जो साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक डिफाइन करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो एक जो है ऐसे याद रखिए आप, याद रखने के लिए, लाल बटा कका, लाल कका। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कास थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। फिर जो है आपका साइन कॉस टेन, ये तीन याद रखिए, लंब बटा कर्ण, ये लाल काका से, उसके बाद में क्या हो जाता है, कॉट हमारा टेन का उल्टा उल्टा हो जाता है, उसके बाद कॉट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार बटा लंब, कॉट हमारा हो गया आधार बटा लंब। सेक हमारा क्या हो जाता है, कर्ण बटा आधार। कोसेक हमारा क्या हो जाता है, कर्ण बटा लंब। तो ये हम लोग याद रखेंगे, लाल काका, साइन कॉस टेन, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। अब हमको त्रिकोणमितीय, ये जो साइन थीटा, यानी किसी भी कोण जो है समकोण त्रिभुज में, किसी भी कोण थीटा के लिए जो है, थीटा आपका बदलता रहेगा, कभी कुछ रखते हैं कभी कुछ, तो ये परिभाषित है। अब हम लोग 45 डिग्री के लिए जो है ये अनुपात निकालना चाहते हैं कि लंब बटा कर्ण का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज ओ ए बी सी में हमारा एक कोण तो 90 है, एक कोण 45 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं क्या होता है, 180। तो ये कोण हम लोग अगर x मान लें, तो x प्लस 45 प्लस 90, ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म, क्योंकि तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x प्लस 90 45 क्या हो गया, 135 बराबर 180
अस्सी डिग्री, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो एक्स बराबर ये भी हमारा क्या आ गया, 45। यानी अगर एक कोण 45 है तो ये अगला भी क्या होगा, 45 होगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी त्रिभुज के में अगर दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो आपका, अगर दो कोण बराबर हो, मान लेते हैं ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो इस थीटा के सामने की भुजा क्या है, अगर एक्स है तो इस थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, एक्स होगी। ये हम लोग पढ़ते हैं कि किसी त्रिभुज में दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी अगर किसी एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए हैं तो उनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी उनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो सीधी बात है, ये 45 के सामने वाला एक भुजा ये है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इस 45 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारा एक्स हो जाएगा। अब हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमको निकालना है बी सी, ये हमारा एस स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर है हमारा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, बी सी स्क्वायर बराबर 2x² अंडर रूट ले लेते हैं, तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 × x, एक्स रूट 2। तो एक कर्ण हमारा क्या हो गया, एक्स रूट 2। अब एक्स एक्स ए है, एक्स ए है, एक्स रूट 2 ये है। अब इसमें हम लोग किसी भी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, यानी साइन 45 डिग्री। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा हो गया लंब की लंबाई बटा कर्ण की लंबाई, और ये हमारा लंब क्या है, एक्स है, और कर्ण हमारा क्या है, एक्स रूट 2। तो यानी साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। यानी वो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 45 डिग्री हो, में लंब और कर्ण की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा, 1/√2। कास थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कास 45 बराबर क्या हो गया, आधार एक्स बटा कर्ण। तो कास 45 की वैल्यू भी क्या आ गई, वही आ गई, 1/√2। टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब एक्स आधार एक्स, तो टेन 45 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। बाकी जो हमारा कोसेक होगा वो रूट 2 हो जाएगा, कोसेक 45 रूट 2, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे रूट 2। सेक 45 भी रूट 2 हो जाएगा, टेन का उल्टा काट, तो काट टेन 45 की वैल्यू 1, तो काट 45 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर समकोण त्रिभुज है और एक कोण 45 डिग्री है, तो उसमें जो भुजाओं का अनुपात हम लोग साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा परिभाषित करते हैं, तो साइन 45 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1/√2, यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब की लंबाई बटा कर्ण की लंबाई हमेशा कितनी आएगी, 1/√2। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। अब हम लोग देखते हैं और निकालते हैं, 60 डिग्री का देखते हैं। ऐसे इसीलिए आप रखते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 1/√2, तो ये यही से आया, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 60 डिग्री है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना चाहते हैं। चलिए हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं हमारी क्या हैं, समान हैं। ये यहाँ पे जो है, अगर दिख ना रहा हो तब भी आप मान के चलिए कि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान ही हम लोग मान लेते हैं, ए ये बी ये सी।
ये हम लोगों ने क्या लिया, समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई हमारी क्या है, बराबर। तो तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है और समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों कोण भी क्या होते हैं, 60-60 होते हैं। ये अब हम लोग क्या करते हैं, ये सी से जो है ए बी पे, आप चाहे समद्विभाजक बोले इसको, चाहे यहां से लंब समद्विभाजक बोले या यहां से लंब ड्रा कर दें। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर सामने वाली भुजा के जो है ये मध्य बिंदु हम लोग मान लिया, अगर ये मध्य बिंदु तो मिलाएंगे तो ये क्या होता है, लंब होता है समबाहु त्रिभुज में। या आप ऐसे बोलें कि अगर इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो ये इस भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में जो है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी शीर्ष कोण क्या होंगे, कोण सी बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण समान होते हैं और सभी भुजाएं भी समान होती हैं। ये भुजा x है तो ये भुजा भी x होगी और ए भुजा भी x होगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए समबाहु त्रिभुज में। अब हम लोग बोले कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष सी से सामने वाली भुजा ए बी पे लंब डाला गया तो ये क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी हमारा ये एक्स बाई टू होगा और ये भी क्या होगा हमारा एक्स बाई टू। तो एक लाइन हम लोग इसमें लिख लेंगे कि शीर्ष सी से, शीर्ष सी से ए बी भुजा पर लंब डाला जो भुजा ए बी को समद्विभाजित करेगी, ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है संभव त्रिभुज की। यानी हमारा जो इसको हम लोग जो है L नाम दे दें तो हमारा जो AL लेंथ होगा वो हमारा BL होगा, AL बराबर BL बराबर x बाई टू, ये हमारा क्या है, L पॉइंट है। अब 60 डिग्री समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है तो हम लोग ये ABL को जो है ACL को यहाँ पे बना लेते हैं साइड में, हमारा ACL ये हमारा A है, ये C है, ये L है, ये 90 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। इसी त्रिभुज का हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब ये CL अगर पता चल जाए, CL हमको पता चल सकता है क्योंकि ये लेंथ पूरा हमारा क्या एक्स वाई टू और ये लेंथ x है, तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर त्रिभुज हम लोग संपूर्ण त्रिभुज ACL में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए, संपूर्ण त्रिभुज ACL में पाइथागोरस थ्योरम से ACL, ये 90 के सामने वाला भुजा कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस CL का स्क्वायर, और AC बराबर हमारा क्या है x है और AL बराबर हमारा क्या है x by 2 है और CL हमको क्या करना है, निकालना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू x by 2 का होल स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर by 4 प्लस सी एल स्क्वायर, यहाँ से सी एल स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, यहाँ से सी एल स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू 3x² बाई फोर। तो यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो सी एल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3x² बाई फोर में x बाई टू तो बाहर आ जाएगा, एक्स बाई टू इंटू रूट थ्री, यानी सी एल हमारा क्या आ गया एक्स बाई टू इंटू रूट थ्री, ये हमारा एक्स बाई टू इंटू रूट थ्री। अब सिंपली हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम आराम से निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा साइन 60 होगा, साइन 60 ये इस ट्रेंगल में, तो थीटा के सामने वाला 60 के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है x बाई टू इंटू रूट थ्री और कर्ण हमारा क्या है x, तो x x खत्म हो गया तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या आ गई रूट थ्री बाई टू।
इसीलिए हम लोग याद रखते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अगर कॉस 60 की वैल्यू पूछी जाए तो कॉस 60 हमारा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है AL, ये हमारा क्या है x/2 और ये हमारा क्या है x। तो आधार यानी x/2 अपॉन x/2 √3। तो यहाँ से कॉस 60 की जो वैल्यू आ गई हमारा वो ये जो है कॉस आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है x/2 बटा x हो गए आधार बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण हमारा क्या है ये है, ये क्या होगा कर्ण 90 के सामने वाला भुजक कर्ण, थीटा के सामने वाला भुजक लंब, और ये हमारा क्या हो गया आधार। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण x/2 अपॉन ये आ गया 1/2। तो इसमें हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 60। तो साइन 60 क्या आया √3/2, कॉस 60 1/2, टेन निकालना हो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। टेन 30 हमारा क्या होगा, सॉरी टेन 60 हमारा क्या होगा √3/2 अपॉन साइन अपॉन कॉस होता है, तो यह आ जाएगा √3। तो ये हमारा साइन कॉस टेन और कॉट से कोसेक किसी का उल्टा होता है, ये हमारा आके आ गया 60 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 60 हो और 60 के सामने वाला भुजा क्या हमेशा माना जाएगा थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा यानी लंब बटा कर्ण का अनुपात हमेशा ऐसे त्रिभुज में √3/2 होगा, तो ये 60 हो गया। अब यहीं से हम लोग जो है 30 का भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि ये तीस डिग्री के त्रिकोण अनुपात तीस डिग्री वाला, क्योंकि इसी में देखिए हम लोग 30 का इसी से निकाल लेंगे। कैसे, ये हम लोग ये त्रिभुज अपना बना लेते हैं जो हम लोगों ने फाइनली निकाला है, ये एक कोण हमारा क्या हो गया 90 है, ये त्रिभुज हमारा ALC और ये हमारा क्या है 60 है, तो 90 और 60 150, तो बाकी बचा कितना होगा ये 30 होगा। और भुजाएं हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है x/2 है और ये x/2 √3 है और ये हमारा x है। अब इसी से हम लोग 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। हम लोग जब 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे थे तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब, लेकिन अब हमको 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हमारा जो लंब कर्ण आधार, जो लंब और आधार डिसाइड होगा, कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा चाहे आप 60 डिग्री का लें चाहे 30 डिग्री का, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा सेम होगी। अब इसमें हमारा ये बदल जाएगा, तो अब हम लोग जो 30 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा 90 है, तो 30 के सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण हमारा यही रहेगा। अब ये हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थीटा के आधार पे निश्चित करते हैं कि कर्ण आधार लंब आधार क्या होगा। तो लंब हमारा क्या है x/2, आधार हमारा क्या है ये हमारा x/2 √3 और कर्ण हमारा क्या है x। तो sin 30 की वैल्यू sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा क्या है x/2, कर्ण हमारा क्या है x, तो x/2 और x x कैंसिल हो गया, यानी sin 30 की वैल्यू हमारे क्या आ गई 1/2, तो sin 30 अंश बराबर 1/2। ये हम लोग क्या करते हैं याद रखते हैं। cos 30 की वैल्यू अगर पूछी जाए तो cos 30 की वैल्यू cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार की लंबाई क्या है x/2 √3, कर्ण की लंबाई क्या है x, तो x x खत्म हो गया, cos 30 √3/2, cos 30 हमारा आ गया √3/2। tan 30 भी हम लोग निकाल सकते हैं, साइन बटा कास कर देंगे, तो tan 30 बराबर साइन बटा कास यानी 1/2 √3/2, तो 2 2 खत्म हो गया, tan 30 कितना आ गया हमारा 1/√3, tan 30 हमारा कितना आ गया 1/√3।
ये हम लोगों ने क्या देखा, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय के अनुपात, 30 का हो गया, 45 का हो गया, 60 का हो गया हमारा, और अब 90 और 0 का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जीरो डिग्री का मतलब क्या है कि वो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे कि जिसमें जिस एक कोण क्या हो, 0 डिग्री हो। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक हम लोगों ने एक ये त्रिभुज बनाया, ये 90 कर दिया, ठीक है। ये कोण हम लोग बना रहे हैं, ये कितना है, ये कोण इसकी बात करी जा रही है, ये कोण हमारा इतना है। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग ये कोण घटाते चले जाएं, तो ये कोण घटाते चले जाएंगे तो ये इस टाइप का, ये हो गया थोड़ा कम हो गया, इस टाइप का हो गया थोड़ा कम हो गया। यानी देखिए, ये त्रिभुज बनाया, इसमें कोण थोड़ा सा घटा। हम लोग ये जो है, यानी जो थीटा के जो सामने वाला भुजा है, यानी लंब की लंबाई हम लोग छोटी करते जा रहे हैं, लंब की लंबाई, तो हमारा क्या हो रहा है, थीटा भी घटता चला जा रहा है। यानी लंब की लंबाई हम लोग जितनी छोटी रखेंगे उतना हमारा कोण 0 के करीब होगा। यानी जब 0 डिग्री लगभग होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। सॉरी, 0 मतलब लंबाई 0 हो जाएगी, डिग्री नहीं। यानी समकोण त्रिभुज में अगर आप ये चाहते हैं कि थीटा ये 0 डिग्री हो, तो जो सामने की भुजा देखिए, लंब की लंबाई क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, और जब थीटा लगभग 0 डिग्री की तरफ होगा तो लंब की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो इसी पॉइंट का हम लोग यूज कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब की लंबाई हमारी क्या होगी, 0 हो गई। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण की लंबाई कुछ भी हो तो लंब 0 हो गया। 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। साइन 0 अंश बराबर 0, ये हम लोग याद रखते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, यानी कॉस 0, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए, जैसे जब थीटा 0 हो जाएगा लगभग, तो ये हमारा जो कर्ण है और आधार, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। तो देखिए, अभी तो ये जो कर्ण है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन और छोटा करेंगे, और छोटा जब 0 होगा तो कर्ण और क्या हो जाएंगे, आधार बराबर हो जाएंगे, कर्ण बराबर आधार हो जाता है। ये आप खुद देख रहे हैं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं बता रहे हैं आपको, कि जब थीटा 0 होता है तो लंब की वैल्यू 0 हो जाएगी और कर्ण और आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो कर्ण और आधार की लंबाई सेम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हम लोग ऐसे याद रखते हैं, क्या होता है, 1। टेन 0 की वैल्यू साइन बटा कॉस, तो साइन की वैल्यू कितनी है, 0, कॉस की वैल्यू क्या है, 1। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 1 से भाग दिए तो 0, तो टेन 0 भी हमारा क्या आ गया, 0। तो ये साइन कॉस टेन हमारा निकल गया, तो और वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा, और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए कि साइन 0 अंश 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। तो 0 के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए। एक और हम लोग देख लेते हैं, 90 डिग्री वाला। अच्छा, हम समकोण त्रिभुज बनाना चाहते हैं जिसका क्या हो, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो हमारा फिक्स है, वो तो 90 होना चाहिए, और अगला भी एक कोण हम लोग क्या चाहते हैं, 90 हो। तो एक कोण पहले हम लोग 90 फिक्स करेंगे, उसके बाद अगले एक कोण को जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, उसको 90 बनाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे 90 90 वाला त्रिभुज देखें कैसा बनता है। अगर इस कोण को हम लोग जो है, ये कोण हमारा जो है, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो त्रिभुज हमारा कैसा बनेगा, देखिए
एक ही फिगर में हम लोग देख लेते हैं ये एक 90 हो गया हमारा, ये 90 है। एक त्रिभुज हम लोगों ने ये बनाया, ये इसका कोण क्या है, कम है। हम लोग चाहते हैं ये कोण बढ़े, तो ये कोण बढ़े इसका मतलब ये हम लोगों ने कुछ यहाँ से मिलाया, कुछ बढ़ा यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ अगर मिलाया तो और बढ़ता है, फिर यहाँ पे मिलाए तो और बढ़ता है, फिर यहाँ पे मिला है तो हमारा, और जैसे जैसे ये कोण ये हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा ये कोण बढ़ता चला जाता है। अब देखिए जब 90 होगा, जब जब यहाँ से मिलाया कोण और बढ़ा, यहाँ से मिलाया 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 और बढ़ा, यहाँ से मिलाए और बढ़ा, यहाँ से मिलाए, और ये थीटा हमारा है, थीटा के सामने वाला ये जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा, और ये हमारा कर्ण होगा 90 के सामने वाला भुजा, और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। या ऐसे अगर हम लोग देखें तो इसको जो है आधार को छोटा करते चले जाते हैं, ये इसको यहाँ से जब मिलाते हैं इसको अगर यहीं से हम लोग मिलाएं आधार छोटा करके, तो देखिए ये कोण हमारा बढ़ता जा रहा है, ये हमारा कोण बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा त्रिभुज तो बना नहीं पाएंगे जिसका समकोण त्रिभुज जिसमें दो कोण 90 हो, क्योंकि तीसरा कोण मिलेगा नहीं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि जब 90 होगा तो लगभग कैसा त्रिभुज बनेगा, तो आधार को हम लोग जो है ये थीटा है, ये हम लोग आधार को छोटा करते हैं, तो देखिए कोण हमारा बढ़ रहा है, आधार को छोटा कर रहे हैं, आधार को छोटा कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हमारा आधार जब बहुत छोटा हो जाएगा, आधार बहुत छोटा हो जाएगा तो कोण लगभग 90 के करीब हो जाएगा, तो ये हमारा आधार है, तो जो आधार लगभग 0 हो जाएगा जब थीटा 90 होगा, यानी हम लोगों को ये पता चला जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार की लंबाई 0 हो जाएगी। ये देखिए आधार की लंबाई लगभग 0 हो जाएगी, और अब यहाँ से हम लोग sin 90 की वैल्यू निकाल लें। sin 90 हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, sin θ बराबर लंब बटा कर्ण, और ये जब आधार 0 हो जाएगा तो एक पॉइंट हमको और मिला कि लंब और कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, आप खुद से देख रहे हैं, एक त्रिभुज जो है आप बनाएं ये, और इस थीटा को लेके हम लोग चल रहे हैं, आधार हमारा ये है, आधार देखिए आधार इतना था, अब आधार को हम लोगों ने छोटा किया, ये यहाँ पे यहीं से मिलाते हैं, मतलब आधार को हम लोग छोटा किए, तो यहाँ से मिलाए कोण बढ़ा, फिर आधार को और छोटा किए, फिर आधार को और छोटा किए, फिर आधार को और छोटा किए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारा जब आधार ये 0 होने लगता है, 0 के लगभग, तो ये कोण हमारा 90 हो जाएगा। उस स्थिति में देखिए हमारा जो कर्ण और लंब है वो बराबर हो जाता है, तो कर्ण बराबर लंब, तो sin 90 लंब बटा कर्ण, तो sin 90 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, लंब। और लंब और कर्ण हमारा जब बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको आप समझिए कि हम लोग ऐसा त्रिभुज कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग कैसे बना रहे हैं कि ये हमारा जो है आधार को छोटा कर रहे हैं, यहाँ से मिला रहे हैं तो कोण बढ़ रहा, फिर आधार और छोटा करें तो ये कोण और बढ़ रहा, इसी कोण की बात हम लोग कर रहे हैं, इसी कोण की बात, ये और बढ़ रहा है ये। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये हमारा कर्ण और ये हमारा लंब बराबर हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा, उस स्थिति में आधार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो sin 91 और cos थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 कर्ण की लंबाई कुछ भी हो तो 0 में जब कर्ण से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी cos 90 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0।
टेन नाइन्टी हमारा सिंपली हो जाएगा साइन बटा कॉस, तो टेन नाइन्टी की वैल्यू 1/0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। टेन नाइन्टी हमारा क्या हो गया, 1/0, इनफाइनाइट या अपरिभाषित, क्योंकि इनफाइनाइट भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट का मतलब होता है एक में जीरो से भाग देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी संख्या है जो अनंत है, और अनंत हमारा क्या है, परिभाषित नहीं, अनंत बस एक माना गया है कि बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हम लोग बता नहीं सकते। तो 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात भी आ गए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात अपना समराइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हम तीन के याद रखेंगे तो बाकी उल्टा करके हमको पता है कि जो है वैल्यू तुरंत ही निकल जाता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सारी वैल्यू जो है याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर साइन का कास का ही आपको याद है तो टेन तुरंत क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस, बाकी सब अपने आप निकलते चले जाएंगे। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, ये हम लोगों का रहेगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60, सॉरी 45, 45, फिर 60, फिर 90। तो ये हम लोग एक चार्ट ऐसे बना लेते हैं, ये कितना है, 45 है। और ये चार्ट हम लोग याद तो रखेंगे लेकिन कोई हम लोग रट के नहीं, ये हम लोगों ने क्या किया है, खुद से निकाला है। तो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन जीरो अंश बराबर क्या आया था, जीरो, और कॉस जीरो अंश की वैल्यू क्या आई थी, वन, तो साइन जीरो अंश की वैल्यू क्या हो गई हमारी, जीरो, जीरो, कॉस जीरो अंश की वैल्यू क्या हो गई, वन। अब देखिए साइन बटा कॉस, जीरो में एक से भाग करेंगे तो जीरो, काट हमारा क्या होगा, टेन का उल्टा 1/0, 1/0 का मतलब कि ये इनफाइनाइट या अपरिभाषित। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा मतलब वन है तो वन का उल्टा वन हो जाएगा। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो जीरो जीरो है यानी 0/1 मान सकते हैं हम लोग, तो 1/0 यानी ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, आ परिभाषित। 30 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखिए क्या निकाले थे, 30 हमारा क्या था, साइन 30 1/2, और कॉस 30 हमारा क्या आया था, √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/2, इसकी वैल्यू √3/2। अब टेन हमारा निकालना साइन बटा कास, तो 1/2/√3/2 जो भाग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/√3। कॉट हमारा क्या होगा, टेन का उल्टा, तो 1/√3 का उल्टा √3/2। सेक हमारा क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो ये 2/√3, और कोसेक हमारा इसका उल्टा, तो ये 2 हो गया। 45 का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या निकाले थे, साइन 45, ये जो है दिखा के इसलिए लिख रहे हैं कि सच में हम लोगों ने निकाला है और ये वैल्यू आई है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है रट के जो है कर रहे हैं। 0, 30, 60, ये 45, साइन 45 हम लोगों का क्या आया था, 1/√2, कॉस 45 भी क्या आया था, 1/√2, तो साइन 45 हम लोगों ने क्या निकाला, 1/√2, कॉस 45 1/√2, और टेन क्या होगा, 1/√2 साइन अपॉन कॉस 1 हो गया। कॉट हमारा टेन का उल्टा 1 का उल्टा 1, इसका कॉस का उल्टा सेक, तो 1/√2 का उल्टा √2, इसका क्या हो गया, √2। साइन 60 क्या आया था हमारा, √3/2, कॉस 60 हमारा क्या आया था, 1/2, √3/2 1/2 करेंगे तो हमारा टेन 60 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3। अब कॉट हमारा क्या होगा, 1/√3, सेक हमारा किसका, कास का उल्टा, तो ये 1/2 का उल्टा 2, और √3/2 का उल्टा 2/√3,
साइन 90 की वैल्यू क्या आई थी हम लोग, 1 आया था, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं कि मतलब निकाला था सच में। साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, टेन 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। कॉट हमारा क्या होगा, 1/∞, यानी एक में बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/∞ का मतलब 0, यानी 1 रुपये है आपके पास, उसको इनफाइनाइट लोगों में बांट देंगे तो कितना मिलेगा, 0 के लगभग मिलेगा। सेक सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 1/0, ये भी हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसका उल्टा भी हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल की बात करें तो ये हमारा हो गया, 4 बन गया, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो साइन 0 अंश 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, और कॉस ये होता है, ये जो होता है, देखिए अगर 0 1/2 1/√3 √3/2 1, यही उल्टा चलता है। कास का देखिए, ये 1 वाला यहाँ चला गया, ये जो यहाँ से बढ़ रहा है और कास 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है इसी में, ये जो ये पैटर्न भी थोड़ा देख लीजिए।